भूल भुलैया। रोहन जल्दी चलो ना, हम लेट हो जाएंगे। आज अगर तुम्हारे कारण बस छुटी ना तो देख लेना तुम। बस लड़ो तुम मुझसे, यहाँ मैं आधी शेव कर जाऊं यही चाहती हो ना तुम? ये लड़की मेरी शादी नहीं होने देगी। अब तो शादी में तुम ऐसे ही जाओगे रोहन बाबू। पारुल रोहन का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए घर के बाहर ले आती है। चेहरे पर आधा फोम और आधी शेविंग। जिसे देखो बस रोहन को ही देखे जाए। सब तुम्हें ही दिख रहे हैं। देखा मेरा आइडिया, अब जल्दी से बस में बैठ जाओ नहीं तो पैलेस पर देर से पहुंचोगी। अपने एक दोस्त की शादी का इनविटेशन कॉल के थ्रू पारुल और रोहन को आता है। चौनू पैलेस सदियों से बंद था। लंदन से अपनी पसंद प्रिया के साथ प्रदीप वापस इंडिया आता है और अपने ही पैलेस में शादी करने का फैसला लेता है। वो पैलेस जो 15 सालों से बंद था आज खुलने वाला था। सभी पहले ही पैलेस पहुंच चुके थे। अब सबसे लेट पहुंचते हैं हमेशा की तरह रोहन और उसकी ना हो सकी गर्लफ्रेंड पारुल। नौजवान की सुगंध। इसे बहुत पसंद है जवान मर्द। बहुत 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 इसे पसंद है प्रिया को। चलो रोहन अंदर भी बढ़ो। चोनू पैलेस इतना विशाल और सुंदर था, प्राचीन आकृतियों से भरा हुआ, जिसे देखते ही दोनों की नजरें महल की दीवारों पर ही रुक जाती है। आ गए दोनों मियां बीवी, तुम लोगों के रूम्स रेडी हैं। जाओ फ्रेश हो जाओ, मेहंदी शुरू होने वाली है। अरे क्या यार, इस कचरे की पेटी को मेरी बीवी मत बोला कर। मैं तो किसी हीरोइन से शादी करूंगा, किसी प्रिंसेस टाइप। तेरी शादी में तो आएगी ही ना। रोहन सुन, तुझे आदत है अनचाही चीजों को छूने की, वो आदत यहाँ पर मत करना, मुसीबत में पड़ जाएगा। कुछ भी मत छूना, कुछ भी नहीं। पारुल और रोहन ऊपर कमरे में तैयार होने चले जाते हैं। रोहन कुर्ता पहन रहा होता है तभी उसे लगता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है। रोहन, रोहन! ये लड़का भी न जाने कहाँ है। सुनो ना रोहन। अरे यार, ये फटे हुए बांस की आवाज इतनी हॉट कैसे हो गई? नहीं, ये पारुल तो नहीं हो सकती। अरे साइड साइड साइड, मेरी अप्सरा आ गई, मजा आ गया। रोहन बाहर आता है पर कमरे में कोई नहीं होता। उसकी नजर शीशे पर पड़ती है जहां उसे दो हाथ दुपट्टा ओढ़ते हुए दिखते हैं। रोहन दूसरी तरफ देखता है पर उसे कुछ नहीं दिखता। पर इस बार शीशा भी कोरा था, किसी का कोई प्रतिबिंब नहीं था। बन गए राजकुमार, तो चलो नीचे। बड़े आए नौकर समझकर कोई ट्रेन आ पकड़ा दे, बस यही डर लगता है मुझे। तुम चलो मैं आता हूँ। रोहन को अब भी वो पुकार सुनाई दे रही थी। आओ ना। और कितनी देर लगाओगे? आवाज का पीछा करता हुआ रोहन एक बड़े से दरवाजे के बाहर पहुंचता है जहां वो देखता है कि लाल कपड़े से कुछ कवर्ड था। अंदर आओ ना डार्लिंग, देखो ना मुझे, माय शाइनिंग स्टार। मैं अकेली हूँ रोहन। उसकी आवाज का जादू कुछ अलग ही था। रोहन उस लाल कपड़े को हटा देता है तभी वो बुढ़िया फिर वहां आती है। तू जा नीचे, जिस कारण तुझे बुलाया गया था वो तो हो गया, अब जा। रोहन सीढ़ियों से उतर ही रहा होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। सब उसके पास भागते हैं। हॉल की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। ये सब क्या हो रहा है बेबी? पापा ये सब कहीं, मुझे बताओ क्या तुम में से किसी ने भी ऊपर का कमरा छुआ है? बोलो, छुआ है किसी ने ऊपर का कमरा? क्योंकि किसी ने कोई तो गलती की है। मेहंदी का सामान जो टेबल पर पड़ा था हवा में उड़ने लग जाता है। लगा लो, अब जिसको भी मेहंदी लगवानी है लगा लो। जमीन पर गिरा रोहन उठकर नाचने लगता है। पायलियां गीत सुनाते भुतनी आए, ओ रब्बा। जरा मैं लिपस्टिक तो लगा लूं। अरे भानु, वो मेरी पायल नहीं लाया तू? तेरी मंजुलिका की पायल। रोहन साड़ी पहनकर खुद का श्रृंगार करता है। ए पारुल, चल
मुझे मेहंदी लगा। एक पैर को जमीन पर मारता हुआ रोहन सभी के सामने हवा में उड़ जाता है। वो आ गई है, 15 सालों बाद वो आ गई, मंजोलिका। कोई जल्दी से जितली को कॉल करो, बस वही इसे वश में कर सकती है। जल्दी जितली को कॉल करो। इसके शरीर को मैं नहीं छोड़ने वाली। जितली जो भूतों को पकड़ने में माहिर थी वो वहां पहुंचती है। 15 साल पहले भी तुझे उछाल उछाल कर फेंका था, आज भी फेंकूंगी। मंत्र पढ़कर एक मुट्ठी राख जितली रोहन पर फेंकती है, जिससे मंजुलिका रोहन के शरीर को छोड़ देती है और खुद हवा में उड़ने लगती है। दिन फेरे लिए मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये नहीं हो सकता, नहीं। चिंता मत करो पारुल, मैं हूँ यहाँ, घबराओ मत। मंजुलिका जाओ, तैयार हो जाओ, देर मत करो, मुहूर्त निकल रहा है। कमरे में तुम्हारे गहने हैं, जल्दी जाओ। पंडित जी मंत्र शुरू करें। ये लग भी। बुढ़िया कुछ बोल पाती इसके पहले प्रदीप उसका मुंह पीछे से दबा देता है। पागल मंजुलिका भागती अपने कमरे में जैसे ही जाती है, जितली कमरा फिर से बंद कर देती है। वो बुढ़िया मंजुलिका की एकमात्र मददगार थी, उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। सब मजे से शादी एंजॉय करते हैं। अरे तेरे जितना ख्याल तो कोई नहीं रख सकता पारुल, आई लव यू। मुझे एक बात बताओ, क्यों ना अगले साल हम भी यहाँ पर शादी कर ले। नहीं नहीं, तुम फिर उस मंजुलिका के पीछे पड़ गए तो।